तो नमस्कार हमारे पी स्टार यूट्यूब में, और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं खेती एग्रीकल्चर के बारे में और कुछ सब्जियों के बारे में बताएंगे। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, अंत तक हमारी वीडियो जरूर देखिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। हमने देख रहे हैं ये खेत है जिसमें सब्जियां लगी हुई हैं, हम आपको सब्जियों के बारे में बताएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे सामने आप ये देख रहे हैं, एक आप देख रहे हो इसको बोलते हैं खीरा का भी यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है और ककड़ी का भी पेड़ लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ककड़ी लगी हुई है छोटी छोटी, ये आप देख सकते हैं इसका पेड़ है। अभी ये छोटी है, एक रात में ये बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी और ये बिकने लायक हो जाएगी। और यहाँ से हम सीधा चलते हैं, वीडियो अंत तक देखिए हमारा। और चारों तरफ ककड़ी ककड़ी लगी हुई है। आगे हम चलते हैं, आपको बताते हैं कि खीरा भी लगा हुआ है आगे, आगे भी हम आपको बताते हैं। आइए चलते हैं आगे, खीरे के बारे में बताते हैं हम। अगर आप देख रहे होंगे चारों तरफ भीड़ ही भीड़ लगी हुई है, और हमारे चाचा जी हैं जो खेत पर अपनी ककड़ी उगाते हैं और यहाँ से मंडी ले जाते हैं। मंडी पे वहाँ पे होलसेल रेट में बेच देते हैं, फिर वहाँ से मार्केट में आती है। आप देख सकते हैं हर जगह ककड़ी है, मेड़ पे देखिए ककड़ी ककड़ी दिख रही है आपको हर जगह। देखिए ककड़ी का पेड़ नहीं होता है, बेलैया टाइप की होती है जो फैलती है चारों तरफ, तभी उसमें इतनी सारी ककड़ियाँ लगती हैं। आप देखते हैं साथियों, हमने आपको ककड़ी को तो दिखाई दिया है, अब हम आपको दिखाएंगे लौकी करेला। करेला लौकी मार्केट में आता कैसे है, कैसा इसका पेड़ होता है, ये भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये करेला, करेला का पेड़ है ये, इसमें करेला अभी लगा हुआ है, ये छोटा करेला लगा हुआ है अभी। हाँ आप देख सकते हैं करेला ही करेला है, थोड़ा बड़ा हो गया है ये करेला। और ये आप आपको दिखा सकते हैं करेला, देखो कितना बड़ा हो चुका है, ये देखो कितना बड़ा हो गया है करेला। एक ये है, ये कितना बड़ा हो चुका है, और ये पीला फूल देख रहे हैं, ये कद्दू का पेड़ है, यहाँ कद्दू उगता है। और इस साइड आप देख सकते हैं खीरा लगा हुआ है, खीरा जो कि आप देख रहे हैं ये बेल खीरा की है। और मेरे इस दाएं हाथ साइड में देख सकते हैं लौकी का पेड़ है, ये इसमें लौकी लगती है, और लौकी को भी आप देख सकते हैं कितनी छोटी छोटी लौकी इसमें लगी हुई है। अभी देखिए ये ओनली 24 घंटे के अंदर बिकने लायक हो जाएगी, 24 घंटे के अंदर बिकने लायक हो जाएगी ये लौकी। और ये आप देख सकते हैं खीरा लगा हुआ है, खीरा को भी आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है दोस्तों, तो हम और बताते हैं ये गोबर का खाद है, यहाँ पे ये खाद लगता है और यहीं से सब्जियाँ मार्केट जाती हैं, मार्केट से होलसेल में ठेले वाले खरीद कर बेचते हैं। तो हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो हमें कमेंट करके लाइक करके ज़रूर बताइए कैसी लगी हमारी वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।